Hello, everybody. It's night and I'm making this post for you guys, especially for the women. And mahilaye, bacche, ladkiyan. Just a thought yaar. Raat ka thought. Aap log walk pe nikla kariye raat mein. Koshish kariye, nikliye. All late nikliye. 10 baje nikliye, 11 baje nikliye, 12 baje nikliye. घर के आसपास की जो लोकेलिटीज़ हैं आपकी, उसमें तो आप रात रात भर टहल सकते हैं ना. अपने दोस्तों के साथ रात में हैंग आउट किया करिए, मज़े करिए यार. लड़कियां, आपकी पॉपुलेशन बढ़ानी है रात के टाइम पे, ताकि ये जो रैंडम लोग घूमते हैं ना रात में, जो जीने नहीं देते हैं, वो ये ना सोचें कि भाई उनकी बाप की प्रॉपर्टी है रोड, है ना. कुछ जो बेवकूफ़ आदमी है जो घूम. सो कुछ लोग होते हैं जो आई डोंट वांट टू यूज बैड वर्ड्स बट स्टिल आई एम वेरी बैड इन वर्ड्स बाय द वे, वेरी अब्यूसिव ऑल्सो. ठीक है, इट्स माई पर्सनैलिटी, आई कॉन्ट हेल्प इट. बट किसी की बाप की जागीर नहीं है यार रोड. जब मन होगा तब घूम सकते हैं, जब मन है तब. कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए भाई हमें, ठीक है. आई वी कैन प्रोटेक्ट आर सेल्फ वेरी वेल. And concern is a different thing, but जो concerned है उसका voice notion अलग होता है. And बाकी उसे भी है कि यार अपनी घर में जो आपकी महिलाएं हैं, इन सबको थोड़ा मजबूत बनाइए. डर पे जीने से क्या फ़ायदा यार, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा यार, क्या हो जाएगा. क्यों डरना है, डरिए मत. डर की वजह से आप बाहर नहीं निकलते हैं. ये सच है, ये सच नहीं है. मैं भी तो औरत ही हूँ, जानती हूँ. मुझे भी 31 साल हो गए जीवन जीते जीते. और ये जो मतलब जस्ट अ थॉट इन द नाइट वॉकिंग, ठीक है. मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ यार, मैं ट्रेंड हूँ यार. बट क्या आप कर सकती हैं? क्यों नहीं कर सकती हूँ? क्यों आपको एक सहारे की सपोर्ट की ज़रूरत है? क्यों आप फिज़िकली अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पाती हैं? क्यों आप वर्कआउट नहीं कर सकती हैं? क्यों नहीं करती? मुझे अमेज होता है जब मैं अपना इंस्टाग्राम का इनसाइट चेक करती हूँ, 15% लड़कियाँ हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई बायस्ड हूँ, मेरे अंदर ऐसा फालतू चीज़ नहीं है. अरे यार, आप लोग इतना प्रो क्यों नहीं है वर्कआउट के लिए? क्या आपको क्यों लगता है कि वर्कआउट सिर्फ फिगर के लिए? क्या मतलब वो छोटा सोच थिंकिंग है. प्लीज़ बाहर निकलिए इन सब चीज़ों से, जैसे मैं निकली हूँ यार. बाहर निकलिए. It's not about figure, dude. It's never about figure. It's about how strong. अपनी मजबूत बनाओ यार, हाथ पैर यार. पंच मारो तो लगना चाहिए, झटका डाले किसने मारा है. साला मैं हाथ उखाड़ सकती हूँ किसी का शरीर से, तुम नहीं. क्यों नहीं उखाड़ सकते हो? एक ही मटेरियल के बने हैं यार सब. करिए. इट्स अ वेरी रैंडम थॉट यार, जस्ट आया मेरे दिमाग में. बताऊँ, यू शुड प्रोटेक्ट योर सेल्फ. थोड़ा सा फियर हटाइए ज़िंदगी में और अपने आप को बनाइए, मजबूत बनाइए. पुशअप मारिए, पुलअप मारिए. क्यों नहीं हो सकता? और बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन चाहिए यार विमेंस. सो ये वाला जो पार्ट है थोड़ा ब्लैक हो जाएगा यार. लाइट नहीं है इधर, अंधेरा है पूरा. अंधेरे में अंधेरा चल रहा है अभी. सो व्हाटएवर मैं क्या बोल रही थी, उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए. शक्ल से कोई मतलब नहीं. सो यहाँ पर ये है कि अगर रात में बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि सोना है, सुबह जल्दी उठना है, वो अलग बात है. और इसलिए नहीं निकल रहे क्योंकि आपकी फटी पड़ी है और आप डरते हैं, वो अलग बात है. कंसर्न इज़ ओके, बट यार स्ट्रांग बनाओ ना यार. दुनिया में लड़ने की शक्ति कैसे आएगी, वरना जैसे तो वैसे ही रह जाओगे और ऐसे ही मर जाओगे. ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को आगे बढ़ाइए प्लीज़, ताकि कोई ऐसे रैंडम बंदा रोड पर चलते हुए आपको नहीं बोला भाई मैडम आपकी हेल्प कर दें, लिफ्ट दे दें, ये कर दें, वो कर दें. कैसी फीलिंग आती होगी सोचो यार. हर लड़की कैसी फीलिंग आती है. उनकी घर की लड़कियाँ इसलिए नहीं निकलती, उनको पता है कि वो खुद कैसे हैं. ठीक है, बोल्ड बनिए, भागिए मत, अवॉइड मत करिए. अवॉइड करने से अगर चीज़ें हम अपने नेगेटिव इमोशंस अवॉइड करते हैं ना, तभी हम परेशान रहते हैं ज़िंदगी में. कुछ मत करिए, मत करिए अवॉइड. हो गया यार, हो गया, बस ख़त्म. सपने, मैंने भी बहुत कुछ अवॉइड किया था कॉलेज टाइम में, और बहुत कुछ हुआ. एंड उसके बाद मुझे लगा कि बस अपने यार अपने सारे, मैंने ना सब वो तोड़ दिया कि हम ये नहीं कर सकते, इसमें नहीं जा सकते, ये सर्विसेज नहीं उठा सकते, कुछ नहीं, घंटा. और अब जब यहाँ पहुँची हूँ ना, तो सिर्फ यार सिर्फ वर्कआउट मत देखो, सिर्फ मेडिटेशन मत देखो,
जर्नी देखो जिंदगी की, कहाँ से आदमी कहाँ से किधर पहुँचता है और कैसे कर सकता है, वो अगर सीख सकते हो उससे कुछ ले सकते हो तो वो लो यार, वो चाहिए। शक्ल वगल ठीक है यार, इट्स ओके, द टाइम ऑफ द मोमेंट, सबको बुढ़ा होना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना इतना ध्यान दोगे तो हो गया, ज़िंदगी में कुछ नहीं होना होना। स्ट्रॉन्ग बनाइए, मजबूत बनाइए अपने आप को, मजबूत बनाइए अपना, प्रोटेक्शन खुद करिए, किसी और की सेकेंडरी इंसान की ज़रूरत नहीं है आपको, आप खुद करिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। बेवकूफ़ी और उसमें अंतर है, बेवकूफ़ नहीं बनना है, कुछ नहीं आता आता चल दिए रानी लक्ष्मी बाई, नहीं बन एक दिन में रानी लक्ष्मी बाई नहीं बन गई थी, टाइम लगता नहीं लगता है, तो करिए, आइए रोडों पे, चलिए रात में, करना क्यों है, किससे डर रहे हो, ठीक है, करिए, जिसको जो बोलना बोलते रहेगा, सुनते रहो आगे निकालते रहो, हमने भी ऐसे ही किया, सुनते रहें निकालते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़िंदगी तुम्हारी है, तुम्हें जीनी है, ख़त्म, बात ख़त्म, इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं देखना है, ज़िंदगी तुम्हारी है, तुम्हें जीनी है, बात ख़त्म। वर्कआउट स्टार्ट करिए, वीडियोज़ यार मैं थोड़ी बोल रही, मेरी वीडियोज़ देखो, किसी भी देखो यार, मर्ज़ी है, हमें तो पसंद है बनाना, डेली करती हूँ, बना देती हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है, एक टाइम होगा नहीं बनाऊँगी, मेरी मर्ज़ी है, मैं किसी के हिसाब से नहीं चलती, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब बदलाव चाहिए, आप जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को ब्रेव बनाइए, इस तरह बनाइए, मेरे फादर ने मुझे बहुत ब्रेव बनाया है यार, चाहे रात में कुछ ख़रीदना था कुछ भी, बचपन से ट्रेनिंग चालू कर रही है हमारी, बहुत उनको हम पे पता है कि ये तो मतलब जानते हैं मुझे, तो घर में फादर का बहुत बड़ा रोल है यार इन सब चीज़ों के लिए, खुलिए थोड़ा, और बहुत लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे, बट क्या कर सकते हैं यार, सच तो कड़वा ही होता है ना हमेशा, करिए, स्पेशली विमेंस प्लीज स्टार्ट, वॉट एवर द एज यू आर, वॉट मैटर यार, वॉट मैटर, एक 80 साल का आदमी उसको कोई नहीं बोलता आप अपनी प्रोटेक्शन कर लो, एक जवान लड़की 20 साल की 22 साल की इसमें इतनी शक्ति है, इतना एनर्जी है, उठा के फेंक सकती है किसी को, उसको बोलते हैं तुम्हें प्रोटेक्शन कर लेना, बट 80 साल की एक ओल्ड एजड इंसान को कोई नहीं बोलेगा, क्यों भाई, नहीं सुनना है ये सब फालतू का, अपना प्रोटेक्शन खुद करिए, कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए किसी से, और जब चाहिए होगी तो मांगिए, मांगिए जहाँ ज़रूरत है वहाँ मांगिए, ये है ना कि इंटेलिजेंस उसमें वो अंतर होता है, मुझे पता है कि मुझे कैसे कंट्रोल करना है, मुझे पता है कि मुझे कैसे करना है, मैं जानती हूँ मैंने बहुत कुछ देखा है भाई जीवन में, लेकिन आपको पता है क्या कैसे करना है, फेस कैसे करना है, एक दो बार डर लगेगा, तीन बार डर लगे, चार बार, उसके बाद तो ठीक है, डरिए मत, डरिए मत, भाई जो है अपनी बहनों को संभालिए, बताइए ऐसे करना है, ऐसा करना है, सिखाइए, हमने अपने भाई को सिखाया है यार, तुम बहन को नहीं सिखा सकते, चलो भाई, शबा खैर।